इतने प्यारे 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 कमेंट्स करने के लिए पफी पेन। तो देख रहे हो ना आप लोग, ये पफी ट्यूब ऑलरेडी कितनी ज्यादा थिक है। नाम तो पेन ही लिखा है उसकी नेब। तुम्हारे वाले फोन कवर से बात कर रही हूँ। और फिर से ओहूहू से उसको फिल करना स्टार्ट कर दिया। इज इट लुकिंग क्यूट। Hey my lovelies, welcome back to my channel. This is Aditi. अच्छा, तो आज की वीडियो में तो बहुत कुछ डिफरेंट है। मैं अपने क्राफ्ट रूम में वीडियो बना रही हूँ। खैर, उसके पीछे भी एक स्टोरी है क्योंकि बाहर इतनी ज्यादा आंधी तूफान चल रही है, इसलिए मुझे यहाँ पे वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो चलो जल्दी से इसी बात पे कॉमेंट में बता दो कि आपको यहाँ पे वीडियो देखना अच्छा लग रहा है कि जो मैं वो वाली बनाती हूँ वहाँ पे। एंड ऑल्सो वी आर वेरीफाइड ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, हमें वो ब्लू टिक मिल गया। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप सबको बहुत ही ज्यादा तहे दिल से शुक्रिया बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, इतने प्यारे 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 कमेंट्स करने के लिए और हमेशा मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच, आई लव यू गाइस दिल से, आई लव यू लव यू लव यू ऑल। भाई मैं तो आज लेके आ गई हूँ पफी पेन। जैसे बाल में पफ बना देते उठा हुआ, पफी मतलब उठा उठा उभरा हुआ। मतलब आज हम कुछ भी लिखेंगे या ड्रॉ करेंगे वो उभरा हुआ होगा। हाँ, मतलब 3D इफेक्ट यार, 3D इफेक्ट। छोटी बहुत टाइम से जिद कर रही थी कि मुझे पफी पेन्स चाहिए, दो, उसको तो यूज करने दूंगी नहीं मैं। छोटी, तो आज की वीडियो के लिए तो तुम काफी एक्साइटेड होगी। बहुत एक्साइटेड हूँ भाई साहब। छोटी तो काफी एक्साइटेड लग रही, आप सभी एक्साइटेड हो ना? तो चलो फटाक से शुरू करते हैं। ये है पेन्स जिनको मैंने ऑलरेडी फाड़ फूड़ के खोल दिया है। ये आ चुकी है मेरे हाथ में पफी पेन। और नाम तो पेन ही लिखा है, बट दीज आर नॉट पेन्स एक्चुअली, ये ट्यूब है, देख रहे हो इसकी निब। तो इनको भी हम ओहूहू मार्कर्स की तरह डिफरेंट सरफेस में ट्राई करने वाले हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह फोन कवर। तो हमारे पास जो फोन कवर है वो न्यू नहीं है, बट आयुषी दी ने अपना यूज किया हुआ फोन कवर ऐसे पैक करके दिया है कि वो एकदम न्यू है। उसने बोला था कि तुम अपने किसी डीआईवाई में यूज कर लेना आदिति। फाइनली आज वो दिन आ चुका है जब हम जीजी का पुराना कवर अपने डीआईवाई में यूज करने वाले हैं और उसको नया बना के वापस से जीजी को गिफ्ट करने वाले हैं। आपके साथ होना, तो चलो एक नया सा फोन कवर बनाते हैं पुराने फोन कवर से। भाई साहब, जीजी ने ऐसे पैक शैक करके दिया है जैसे एकदम न्यू कवर दे दिया हो, बट देखो एकदम येलो है। तो फटाफट से मैं पहले इसका बेस कंप्लीट कर देती हूँ, जिसके लिए आई एम यूजिंग ओहूहू मार्कर्स। अदिति ब्लू कलर का कवर बना रही हो? छोटी, मैं जो बना रही हूँ ना उसको देख के तुम ललचा जाओगी, बट कुछ नहीं कर सकती बिकॉज ये फोन कवर सिर्फ जीजी के मोबाइल में लगेगा। तो बीच में स्किन कलर यूज करके मैं राउंड एंड राउंड सर्किल बना रही हूँ। एनी गेसेस क्या बना रही हूँ? अच्छा छोटी, तुम बताओ, तुम गेस कर पा रही हो क्या? नो अदिति। अच्छा चलो एक गेस दे रही हूँ, ये ना फूड आइटम है। लड्डू? अरे नहीं छोटी, क्यूट सा है। ओहो, तुमने पिंक पेन उठा ली तो मतलब ये डोनट है। देयर यू गो छोटी। दीदी तुम्हें मेरे फोन कवर में भी बनाना पड़ेगा। पता था मुझे अच्छे से। चलो अच्छा ठीक है, तुम्हारे लिए भी बना दूंगी। तो देख रहे हो ना आप लोग, ये पफी ट्यूब ऑलरेडी कितनी ज्यादा थिक है और ये उभरी उभरी सी आ रही है। मैंने तो सोचा था ये पेन टाइप की होगी और इसको ड्रॉ करने के बाद जब हम ड्रायर यूज करेंगे तब जाके ये उभरेगी, बट ये तो पहले से ही ऐसी है यार। चलो ठीक है, इसको ना थोड़ा सा शेडेड देते हैं और नीचे से थोड़ा सा मेल्टेड सा दिखाते हैं, टेम्पटिंग सा। डन 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 डन। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आई लव डोनट। चलो इसी बात में जल्दी से कॉमेंट में बता दो कि आपका फेवरेट बेकरी आइटम कौन सा है। तो मैंने ये बहुत ही रैंडमली एंड रफली लिख रही हूँ, उसके बाद आउटलाइन कर दूंगी पूरा, तो ये ठीक ठीक लगेगा। और अब ये बना दिया है ना, तो छोटी के लिए असली का भी डोनट लाना पड़ेगा। ये सब बहुत झंझट है भाई साहब। चलो तो ये ऑलमोस्ट हो चुका है कंप्लीट। अब हमें चाहिए हेयर ड्रायर या फिर हीट एम्बॉसिंग गन, आप कुछ भी ले सकते हो जो गर्म हो, और इसको ड्राई करना स्टार्ट करो। देख रहे हो कितना सैटिस्फाइंग है। एंड इट्स डन। एक बार ना मैं हाथ लगा के भी देख लेती हूँ कि चिपक तो नहीं रहा है। हाँ हाँ, डन डन। और लास्ट में मैंने थोड़ी सी डिटेलिंग दे दी है। भाई सच बोलूं तो मजा आ गया, मतलब मजा ही आ गया। एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, फोन कवर बदल गया। मैंने एक्टिंग करके देख लेती हूँ कि इससे बात करेंगे तो कैसा लगेगा। जी जी क्या कर रही हो? मैं ना तुम्हारे वाले फोन कवर से बात कर रही हूँ। चलो इसको वापस से वैसे ही पैक करके जीजी को दे देते हैं, गिफ्ट कर देते हैं, और कहेंगे जीजी देखो मैंने तुम्हारे लिए नया फोन कवर खरीदा है। जीजी का न्यू फोन कवर रेडी हो गया है। ओके, सो नेक्स्ट हम करेंगे स्टोन आर्ट। और देखो भाई साहब, ऋषिकेश जो पत्थर लेके आए थे वो अभी तक चल रहा है। भाई देख रहे हो तुम लोग मेरी बनिया गिरी, खत्म नहीं करती हूँ मैं चीजों को, खींचती रहती हूँ। एटलीस्ट मुझे कहीं दूर तो नहीं जाना पड़ रहा है इनको लेने के लिए। और भाई साहब बहुत हैवी है, हमें बनाना है इमोजी इमोजी। चलो इसी बात में जल्दी से अपनी फेवरेट इमोजी भी कमेंट कर दो। तो मैं बनाने वाली हूँ अपनी फेवरेट इमोजी।
तो मैंने चुन के राउंड स्टोन निकाला है ताकि प्रॉपर इमोजी लगे और ओहू से ऑलरेडी येलो कलर कर दिया है। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी डिटेलिंग दे रही हूँ, डिटेलिंग के आंख मुंह नाक बना रही हूँ। आंख तो पॉसिबल नहीं है छोटी, क्योंकि हमारे पास व्हाइट कलर नहीं है, बट मैं टंग जरूर करने वाली हूँ। तो फटाफट से जितने भी ब्लैक पोर्शन है वो मैं ओहू से कंप्लीट कर लूंगी और आंख को फिर व्हाइट से कर दूंगी। आई विश पफी ट्यूब में व्हाइट कलर देते तो आंख कितनी सुंदर लगती भाई साहब, और लाइट कलर में बस येलो है तो वो बेस से मिल जाएगी। चलो कोई नहीं, टंग हम करते हैं ऑरेंज कलर की। दीदी लग रहा है इसने ऑरेंज आइसक्रीम खाई है। बात तो सही बोल रही हूँ छोटी, बट मुझे लग रहा है किसी का मन कर रहा है आइसक्रीम खाने का। हम मेरा तो नहीं। तो चलो मैंने टंग में भी छोटी सी डिटेलिंग दे दी और ये काफी लग रहा है। क्यूट ना यार, मैं ना इसकी आंखों को भी ऐसे पफी सा बनाना चाहती थी, पफी आए। चलो नेक्स्ट हम बनाने वाले हैं हमेशा की तरह बॉटल आर्ट। तो हमने जो ये डोनट बनाया था ना, तो इसी का आज हम बनाने वाले हैं आइसक्रीम, वो भी ग्रीन फ्लेवर। कौन सा होता है ग्रीन फ्लेवर? कसाटा, कच्चा मैंगो, कौन सा होता है यार? जल्दी से कॉमेंट में बताओ और ये भी बता दो कि आपका फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर कौन सा है। यार अभी आई रियलाइज्ड कि ये बंद हो गया, मतलब लाइट चली गई। ओह गॉड, मैंने बोला था ना आंधी तूफान बारिश सब आ रही है, तो लाइट तो जाना इज वेरी नॉर्मल। चलो कोई बात नहीं, मैं सोच रही जल्दी जल्दी बना लेती हूँ ताकि ये जो अभी सामने लाइट जली है ये भी ना बंद हो जाए। छोटी जल्दी जल्दी बनवाओ, लाइट चली जाएगी तो हमारी वीडियो यहीं पटक जाएगी। हाँ जी, चलो आओ आओ। तो मैंने ले लिया खाली ड्रॉपर बॉटल ग्लास की और फिर से ओहू से उसको फिल करना स्टार्ट कर दिया है। तो बेस को मैं आइसक्रीम के कोन का लुक दे रही हूँ, इसलिए स्किन कलर का कर रही हूँ। आज कुछ ज्यादा ही क्यूट चीजें नहीं बन रही है। चलो फटाफट से मैंने ग्रीन पफी ट्यूब ले लिया है और यहाँ पे मेल्टिंग टेम्पटिंग सा बनाना स्टार्ट कर दिया है। सो आउटलाइन के बाद मैं अपर पूरा ग्लास पोर्शन फिल कर दूंगी। दीदी ग्रीन कलर की आइसक्रीम ठीक ठाक लग रही है। हाँ छोटी, मुझे पता है अगर मैं पिंक ऑरेंज या पर्पल में से यूज करती तो ज्यादा अच्छा लगता, बट मैं ना सारे कलर की पफी पेन यूज करके देखना चाहती हूँ। फटाफट से इसको ड्राई कर देंगे। चलो अब नीचे ना इसको कोन का लुक देना है, तो मैं यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ, बिकॉज ऐसा प्लेन सा कोन तो होता नहीं है, जिसके लिए मैं ब्राउन कलर का ओहू मार्कर यूज कर रही हूँ। आओ एक बार छू के देखते हैं। आहा ड्राई हो गया। तो भैया हमारी ड्रॉपर बॉटल भी रेडी हो गई है, सोनी सोनी सुंदर सुंदर सी। हमारी ग्रीन आइसक्रीम रेडी हो गई है, दिस लुक सो यम। और मैं ना इसमें फेस सीरम भरने वाली हूँ, तो हमारा स्किन केयर रेजिमे तो एकदम क्यूटी क्यूटी होने वाला है, क्यूटी क्यूटी। अभी तक तो काफी अच्छे चल रहे हैं ये पफी पेंस। तो जो रियल वाले पफी पेंस होते हैं ना, उसमें ऐसा होता है कि वो एकदम ही थिन सा लेयर होता है और उसके बाद ड्रायर चलाने के बाद वो फूलते हैं, तो वो काफी सैटिस्फाइंग होता है। और ये तो ऑलरेडी पहले से ही फूले हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि तीन तो कंप्लीट हो ही गया है और लास्ट हम क्यों ना इसको पेपर में ट्राई करें। तो प्लेन पेपर में ट्राई करना तो इज वेरी बोरिंग, तो मैं सोच रही हूँ कि स्टिकर पेपर में ट्राई करते ताकि वो स्टिकर बन जाए और उसको हम अपने नोटबुक में चिपका सके। तो ये रहे स्टिकर पेपर, स्टिकर पेपर, स्टिकर पेपर। तो चलो एक जल्दी से क्यूट सा फ्लावर बना लेते हैं और बस उसको नोटबुक में चिपका देते हैं। तो ये बहुत सारे स्टिकर पेपर्स मैंने ऑलरेडी अमेजोन से मंगा के रखे थे, जो मैंने स्टिकर मेकिंग वीडियो में भी यूज किए थे। सेंटर में मैं येलो कर रही हूँ और फिर हमारे पास दो कलर बचे हैं, पर्पल एंड ब्लू। तो मैं ब्लू यूज कर रही हूँ, बिकॉज पर्पल ना थोड़ा सा पिंक से मिलता जुलता और पिंक हमने ऑलरेडी डोनट बना लिया है, तो वी हैव एन आइडिया कि पर्पल कैसा लगेगा, तो इसलिए मैं चाहती थी कि ब्लू यूज करूं। और मैंने जल्दी जल्दी में एकदम रफली सा फ्लावर भी बनाया है। कुछ भी हो अदिति, अब इसको नोटबुक में तो लगाना पड़ेगा। अरे हाँ बाबा, पहले कंप्लीट तो होने दो। तो ऐसे ही सारी पेटल्स कंप्लीट कर लेंगे और फिर ड्राई करेंगे, ड्राई करने के बाद इसको कट कर लेंगे। ओके, सो हमारा स्टिकर रेडी है और बाद में मैंने थोड़े से डिटेल्स भी दे दिए जो काफी क्यूट लग रहे हैं। तो चलो जल्दी से इसको नोटबुक में लगा के देखते हैं। ये रही मेरी डेली यूज करने वाली नोटबुक, इसमें लिखा है लिब्रा जो कि मेरा सन साइन है और मार्स जो कि मेरा बर्थ मंथ है। तो मैं यहाँ पे लगाने वाली हूँ इसको। इज इट लुकिंग क्यूट? Yes, it is. Ready? So guys, that's it for today. चलो जल्दी से कमेंट में अपना फेवरेट बता दो। क्या आपको ये ग्रीन आइसक्रीम बॉटल अच्छी लगी, या फिर ब्लू स्टिकर फ्लावर, या फिर डोनट वाला फोन कवर, और ये क्यूट सी इमोजी कौन सा, जल्दी से कमेंट में बता दो। मुझे तो स्टोन इमोजी। मेरा फेवरेट तो ऑफ कोर्स फोन कवर है जो कि जीजी के पास जाने वाला है। तो ठीक है, चलो जल्दी से कमेंट में बताओ एंड आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। और आंधी तूफान तो बंद हो गई लेकिन लाइट अभी तक नहीं आई। आई श्योर की लाइट टूट गई होगी, वो थोड़ी देर बाद ही आने वाली है, बट थैंकफुली हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया है। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना और चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, अरे यार क्यों, चलो जल्दी से फटाफट करते हुए जाओ। और हाँ, बेल बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, तो कुछ नोटिफिकेशन नहीं आएगी तो आप वीडियो नहीं देख पाओगे, सब्सक्राइब करने का कोई मतलब नहीं होगा, है ना। तो बेल बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।